एसपी और अखिलेश ओछी हरकत पर उतर आए हैं, ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। एसपी नेता मानसिक दिवालियेपन के शिकार है, उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को ऑफर दिया था कि विधायक लेकर आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, आखिर डिप्टी सीएम में क्या रखा है। तो इस पर ब्रजेश पाठक का अब बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एसपी नेता मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। ऑफर दिया गया है कि 100 सीट लेकर आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या इस जो बयानबाजी हो रही है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वो ओछी हरकतें करके अपने मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने किस ढंग से काम किया है और उनको अपने किए हुए कार्यों पर पश्चाताप करना चाहिए और चुपचाप घर में बैठ करके जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ आजम खान भावुक अपील कर रहे हैं वोट के लिए, तो मैनपुरी चुनाव में दिखा जा रहा है कि वहां पर जातीय समीकरण हो या रामपुर हो या खतौली हो, तीनों जगह बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, कमल खेल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से डेरेल्ड है। तो 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे हम सपा की बात करें या भाजपा की बात करें, पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं इस चुनाव में जो जुबानी जंग है वो भी अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ने वाली है। वीडियो जनसभा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। चलिए तो खबरें लगातार जारी है, उससे पहले रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। एक्सरसाइज के लिए चाहिए स्टैमिना, एनर्जी और इसके